रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता की चारों बहुएं, बहुओं बड़ी बहू पूनम, दूसरी बहू प्रीता, तीसरी बहू नीता और चौथी बहू पूजा बहुत ही संस्कारी थी। सविता अब अपनी पांचवी बहू की तलाश में लगी थी कि किसी तरह उसको अपनी पांचवी बहू भी ऐसी ही संस्कारी मिल जाए। इसीलिए सविता अपने बेटे के लिए कई सारे रिश्ते देखती है कि कोई तो उसे अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की देगा। एक दिन सविता और उसकी चारों बहुएं अपने पांचवे बेटे अनुज के साथ अपनी पांचवी बहू की तलाश में कोयल के घर जाते हैं, जहां सविता से कोयल कहती है, कोयल बेटा तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, घर में कोई बड़ा होगा ना उसे बुलाओ। माफ करना आंटी जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ बाप को गुजरे हुए एक अरसा हो गया। वो तो चाची ने मुझे कहा था कि आप लोग मुझे देखने के लिए घर आ रहे हो। माँ जी कितनी अच्छी लड़की है ये, माँ बाप नहीं है लेकिन संस्कार तो खूब है इसमें। जी कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। क्यों अनुज कैसी लग रही है कोयल तुझे? माँ मुझे भी कोयल काफी अच्छी लगी, अब इसके आगे आप लोग जो बोलोगे वही होगा। आप लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए कुछ खाने के लिए अभी लेकर आती हूँ। कोयल रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी प्रीता कहती है, कोयल जरा मुझे वॉशरूम बता दो किस तरफ है। बहू तुझसे थोड़ी देर रुका नहीं जाता है क्या? जहाँ भी जाती है बस बाथरूम ही देखने लगती है। माँ जी हम बस में आए हैं, लोगों को बस में उल्टी होती है लेकिन मेरा तो पेट ही खराब हो जाता है। सच में माँ जी थोड़ी देर और रुकी तो पक्का कुछ गलत हो जाएगा। आंटी जी कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, चलिए मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। पहली नजर में ही सविता और उसकी चारों बहुओं को कोयल काफी ज्यादा पसंद आती है और कुछ ही दिनों में सविता कोयल को अपने छोटे बेटे अनुज के साथ शादी तय कर देती है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अनुज बाकी सबके साथ बारात लेकर कोयल के घर जाता है और धूमधाम से शादी हो जाती है। अनुज शादी के बाद कोयल को अपने घर लाता है और तभी सविता अपनी चारों बहुओं को समझाते हुए कहती है, आज तुम चारों की सबसे छोटी देवरानी का गृह प्रवेश है घर में, तो इस बात का तुम चारों को ही ध्यान रखना है कि कोयल को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। माँ जी आप टेंशन मत लो, हमारी छोटी देवरानी को हम किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ हाँ मुझे इस बात का पूरा भरोसा है तुम चारों पर, लेकिन अगर कहीं भी भूल चुक हुई ना तो। माँ जी आप खामखा ही चिंता कर रही हो, अरे जिस सास के पांच बहुए हो भला उन्हें किसी चीज की चिंता लेने की क्या जरूरत है। माँ जी अब तक सबसे छोटी देवरानी मैं थी, तो अब मेरी भी देवरानी आ रही है, तो जितना मेरा ख्याल रखा गया अब तक वैसे ही हम भी ख्याल रखेंगे। हाँ माँ जी अगर अब हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो क्या होगा, अब तो देवर जी देवरानी जी को लेकर घर में आ रहे होंगे ना, तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अरे हाँ हाँ बहुओ सारी तैयारी हो गई है ना, कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं माँ जी कुछ नहीं रहना है, सब कुछ हो गया है। सविता और चारों बहुएं काम में लग जाती हैं और कुछ देर बाद सविता की पांचवी बहू कोयल अपने पति अनुज के साथ आती है और सभी रिश्तेदार घर में आए हुए थे बहू के स्वागत के लिए। सब लोग मिलकर कोयल का बहुत प्यार से अपने घर में स्वागत करते हैं। कोयल के आसपास उसकी चारों जेठानी बैठी होती हैं। तभी कोयल कहती है, दीदी क्या हुआ कोयल, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? दीदी वो मुझे बाथरूम जाना है। नीता जरा कोयल को बाथरूम लेकर तो जा। नीता कोयल को बाथरूम लेकर जाती है। कोयल बाथरूम में थोड़ी हल्की होती है तब जाकर उसे ठीक लगता है और फिर बाद में रस्म के लिए वो वापस शामिल हो जाती है। रस्में चल रही थी इस दौरान नीता के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। नीता एक कोने में जाती है और कहती है, अरे मेरे पेट को क्या हो गया, सुबह ही मैंने खाना खाया था उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, फिर अचानक से मेरे पेट से आवाजें क्यों आने लगी। अरे बाप रे अगर ज्यादा देर यहीं खड़ी रही तो पक्का कुछ विस्फोट तो हो ही जाएगा और नई बहू के आगे मेरा पोपट बन जाएगा। नीता पेट पकड़कर वहां से जल्दी से बाथरूम की ओर भागती है क्योंकि शादी की रस्मों के बीच अचानक ही नीता का पेट खराब हो जाता है। नीता वॉशरूम में गई ही थी कि दरवाजा खटखटाते हुए पूनम कहती है, अरे भाई कौन है अंदर, जल्दी निकलो मेरे पेट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, कौन है जल्दी बाहर आओ। नीता बाथरूम से बाहर आती है और पूनम बोलती है, अरे इतनी देर से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई तो दे रहा है दीदी लेकिन पेट खराब है मेरा और इसलिए मैं बाहर नहीं आई। आप भी ना आपको अभी ही दरवाजा तोड़ना है, हटो हटो मुझे अंदर जाने दो। अभी अंदर से ही आई हो ना तुम,
एक काम करो, कुछ देर बाहर आराम करो। अभी तो शायद मेरा भी पेट खराब हो गया है, तुमसे ज्यादा तो मुझे ही बाथरूम जाने की जरूरत लग रही है। हटो। इतना बोलकर पूनम नीता को हटाकर खुद ही बाथरूम में चली जाती है। नीता पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि पेट तो नीता का भी खराब था ना। तभी सामने से साड़ी उठाकर पूजा चली आती है और नीता को साइड हटाकर दरवाजा पीटने लगती है। ये देखकर नीता कहती है, अरे क्या हो गया आपको? ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी जो इतनी तेजी में आ रही हो? और घर में मेहमान आए हुए हैं, अपनी साड़ी क्यों उठाई हुई है आपने? माँ जी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। माँ जी का गुस्सा सह लूंगी, लेकिन अभी जो बवंडर मेरे पेट में आया है ना, वो नहीं मुझसे सहन होगा। अरे अंदर कौन बैठा है, बाहर आओ ना जल्दी। अंदर पूनम दीदी बैठी है, उनका भी पेट खराब हो गया है, मैं खुद उनके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पेट के अंदर तो बवंडर भी शांत नहीं हो रहा, रह रह कर उछल रहा है। अरे पूनम दीदी जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मेरे पेट में जो कुछ भी है वो तो पक्का बाहर आ ही जाएगा। इसके बाहर आने से पहले आप ही बाहर आ जाओ ना दीदी। अरे मैंने नंबर लगाया हुआ है, पूनम दीदी के निकलने के बाद मेरा ही नंबर है। मुझसे भी नहीं रुका जा रहा, लेकिन मैं भी तो रुकी हूँ ना, अब तुम भी रुक जाओ। पूनम दीदी बाहर लाइन लग गई है, मुंह दिखाई करवाओ, आप बाहर जल्दी आओ। नीता और पूजा पूनम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में पूनम बाहर आती है। जैसे ही पूनम बाहर आती है, कोई अंदर जाए उससे पहले ही प्रीता भाग कर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर पूजा कहती है, अरे प्रीता दीदी यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है, जो आप भागकर अंदर चली गई, यहाँ बहुत गंभीर मामला है, मजाक मत करो, बाहर आओ जल्दी से। हाँ बाहर आओ, यहाँ पहले मेरा नंबर था, फिर पूजा का नंबर था, और जल्दी से भागकर तुम अंदर चली गई। ये कोई मजाक नहीं है और ना ही मैं कोई खेल रही हूँ। मेरे पेट अचानक से पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खराब हो गया, रसम में बैठी थी, पेट से विस्फोट की आवाज आने लगी। चारों बहुएं थी बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी हुई कि तभी कोयल भी आ जाती है, क्योंकि उसका पेट भी कुछ ठीक नहीं था और वो भी लाइन में लग जाती है। घर में रसम है और पांचों बहुओं को गायब देखकर सविता अनुज को बुलाती है और उसे कहती है, अनुज बहुएं कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही, तूने उन्हें कहीं जाते हुए देखा क्या? माँ मैंने सबको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था, आप एक बार देख लो वहाँ। अनुज की बात सुनकर सविता बाथरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी सारी बहुएं वहाँ पर अपना पेट पकड़कर बैठी हैं। और ये सब देखकर सविता कहती है, तुम पांचों वहाँ क्या कर रही हो, घर में मेहमान आए हैं और तुम सब यहाँ हो? माँ जी हम पांचों का एक साथ पेट खराब हो गया है। तुम लोगों को कुछ बोलने से अच्छा है मैं पहले ही मेहमानों को मना करके आती हूँ। इतना बोलकर सविता मेहमानों के पास जाती है और बोलती है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने ही आप सबको यहाँ बुलाया और मैं ही जाने के लिए बोल रही हूँ, वो दरअसल अचानक से पेट खराब हो गया है तो इन रस्मों को यहीं रोक रही हूँ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।